गोविंदा जी के भांजे क्लोज रिलेटिव हैं जो गोविंदा से मिल के आए, उनसे बात करते हैं। आनंद जी, क्या क्या हुआ था एग्जैक्टली, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, मैं सवेरे उठा, रात में मेरा फोन स्विच ऑफ था। सवेरे उठा और मुझे तमाम हजारों मैसेजेस आने लगे एंड आई वॉज शॉक्ड। और मैंने यशवर्धन को कॉल किया, क्या हुआ? तो बोला ऐसे ऐसे गोली लग गई है और क्रिटिक केयर में उनका ऑपरेशन चल रहा है। ये सुनने के बाद मैं बहुत शॉकिंगली, मेरी तबीयत खराब हो गई। आई वॉज लाइक इन डीप, बहुत ज़्यादा दुख में और आने की स्थिति में नहीं था शॉक से, लेकिन कैसे कैसे करके आया। और फिर जब गोविंदा जी को देखा मैंने, तो आंखों से मेरे पूरे आंसू निकल गए एंड उनको स्माइल करता हुआ देखा तो आई फेल्ट दैट इज फाइन। तो थैंक्स टू ऑल द डॉक्टर्स एंड थैंक्स टू हिज फैंस, उनके जितने फैंस हैं पूरे देश विदेश में, सभी लोग बहुत दुखी हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या, मुझे तो लग रहा है आज लाख ही फोन आ जाएंगे, इतने लोग सब चिंतित हैं उनकी तबीयत को लेके। तो बस यही कहूंगा कि आप लोगों की दुआओं की वजह से जो बहुत बड़ी घटना घट सकती थी वो टल गई। हुआ क्या था एग्जैक्टली, बता रहे कि वो एयरपोर्ट जा रहे थे, अपने बेडरूम में थे, हुआ क्या था एग्जैक्टली आनंद जी? देखिए, मैं वहां था नहीं और अभी स्टेटमेंट गोविंदा जी ने दिया है नहीं दिया मुझे उसकी भी जानकारी नहीं है। और जब आदमी ऐसी स्थिति में आईसीयू में भर्ती होता था, हम उससे ये नहीं पूछ सकते आपको क्या हुआ था, क्योंकि वो बहुत अजीब लगता है। और अभी तो ये हाल है कि मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा चाहने वाला होगा जो उनसे मिलना ना चाहे, तो मेरी तरफ से अच्छा नहीं होता कि मैं अभी उनसे डिटेल पूछता। मेरे लिए तो यही, मैं जानता हूँ गोविंदा जी एक साफ सुथरे अभिनेता है और बहुत ज़्यादा चैतन्य और सतर्क रहने वाले इंसान हैं, और उनके साथ एक घटना घटी तो ये घटना ही है। बुलेट इंजरीज कहाँ हुई थी आनंद जी? ये पैरों में हुई है और मुझे, मैं पैरों के पास खड़ा था तो बोला बेटा वहाँ हाथ मत लगाना, मुझे वहीं गोली लगी हुई थी। अच्छा, तो अभी मैं थोड़ा सा स्टेबल फील कर रहा हूँ, दैट इज फाइन एंड भगवान ने चाह तो बहुत जल्दी घर आ जाएंगे। ओके, कब तक डिस्चार्ज होने, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? लेट्स सी, वो पता नहीं है, लेकिन है गोली तो लगी, भयानक की है, हड्डी तक गई है। थैंक यू सो मच आनंद जी। गोविंदा जी के भांजे क्लोज रिलेटिव हैं जो गोविंदा से मिल के आए, उनसे बात करते हैं। आनंद जी, क्या क्या हुआ था एग्जैक्टली, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, मैं सवेरे उठा, रात में मेरा फोन स्विच ऑफ था। सवेरे उठा और मुझे तमाम हजारों मैसेजेस आने लगे एंड आई वॉज शॉक्ड। और मैंने यशवर्धन को कॉल किया, क्या हुआ? तो बोला ऐसे ऐसे गोली लग गई है और क्रिटिक केयर में उनका ऑपरेशन चल रहा है। ये सुनने के बाद मैं बहुत शॉकिंगली, मेरी तबीयत खराब हो गई। आई वॉज लाइक इन डीप, बहुत ज़्यादा दुख में और आने की स्थिति में नहीं था शॉक से, लेकिन कैसे कैसे करके आया। और फिर जब गोविंदा जी को देखा मैंने, तो आंखों से मेरे पूरे आंसू निकल गए एंड उनको स्माइल करता हुआ देखा तो आई फेल्ट दैट इज फाइन। तो थैंक्स टू ऑल द डॉक्टर्स एंड थैंक्स टू हिज फैंस, उनके जितने फैंस हैं पूरे देश विदेश में, सभी लोग बहुत दुखी हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या, मुझे तो लग रहा है आज लाख ही फोन आ जाएंगे, इतने लोग सब चिंतित हैं उनकी तबीयत को लेके। तो बस यही कहूंगा कि आप लोगों की दुआओं की वजह से जो बहुत बड़ी घटना घट सकती थी वो टल गई। हुआ क्या था एग्जैक्टली, बता रहे कि वो एयरपोर्ट जा रहे थे, अपने बेडरूम में थे, हुआ क्या था एग्जैक्टली आनंद जी? देखिए, मैं वहां था नहीं और अभी स्टेटमेंट गोविंदा जी ने दिया है नहीं दिया मुझे उसकी भी जानकारी नहीं है। और जब आदमी ऐसी स्थिति में आईसीयू में भर्ती होता था, हम उससे ये नहीं पूछ सकते आपको क्या हुआ था, क्योंकि वो बहुत अजीब लगता है। और अभी तो ये हाल है कि मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा चाहने वाला होगा जो उनसे मिलना ना चाहे, तो मेरी तरफ से अच्छा नहीं होता कि मैं अभी उनसे डिटेल पूछता। मेरे लिए तो यही, मैं जानता हूँ गोविंदा जी एक साफ सुथरे अभिनेता है और बहुत ज़्यादा चैतन्य और सतर्क रहने वाले इंसान हैं, और उनके साथ एक घटना घटी तो ये घटना ही है। बुलेट इंजरीज कहाँ हुई थी आनंद जी? ये पैरों में हुई है और मुझे, मैं पैरों के पास खड़ा था तो बोला बेटा वहाँ हाथ मत लगाना, मुझे वहीं गोली लगी हुई थी। अच्छा, तो अभी मैं थोड़ा सा स्टेबल फील कर रहा हूँ, दैट इज फाइन एंड भगवान ने चाह तो बहुत जल्दी घर आ जाएंगे। ओके, कब तक डिस्चार्ज होने, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? लेट्स सी, वो पता नहीं है, लेकिन है गोली तो लगी, भयानक की है, हड्डी तक गई है। थैंक यू सो मच आनंद।